जो रहा, इसलिए हमने ये सौभाग्य के आपको इस प्रेस वार्ता के लिए समय निकाल के आए। कांग्रेस हमेशा गरीब की रोजी रोटी रोजगार और मकान के लिए काम करती आई है, हमारी प्राथमिकता है। और मैं श्री पवन खेड़ा जी से इसी संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि वो आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अनिल भारद्वाज जी। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ नेता, दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से आप सेटल हो जाइए, फिर मैं शुरू करूं। देश की राजधानी होने की वजह से दिल्ली के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। दिल्ली प्रतिबिंब है पूरे देश में जो हो रहा होता है उसका। आज अगर श्रमिकों की स्थिति, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की स्थिति दिल्ली में दयनीय है, तो आप समझ लीजिए कि ये प्रतिबिंब पूरे देश का है। पूरे देश में क्या हो रहा है पिछले 10 साल से, वो दिल्ली को देखकर आपको आभास हो जाता है। हमारे नौजवान नेता राहुल गांधी बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, न्याय। वो अपने आप में एक शब्द नहीं है, वो निचोड़ है हमारे संविधान का, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का, और इस देश की, इस सभ्यता की, इस संस्कृति की जितने भी मूल मंत्र हैं उन सब का निचोड़ इस एक शब्द में है, न्याय। जब राहुल जी 4000 किलोमीटर पसीना बहाते हुए इस देश की सड़कों पर चले और जब दिल्ली पहुंचे, आप में से कई लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे दिल्ली में, मैंने आपको देखा भी था, यहां भी संवाद हुआ, अलग अलग स्तर में अलग अलग वर्गों से, समाज के भिन्न वर्गों से उनका संवाद हुआ, और उस संवाद से जो निकल कर आया वो हमारा न्याय पत्र है, जो हमारा घोषणा पत्र है, जिसको हम अपना अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कहते हैं। पिछले 10 साल से ऐसा लगता है कि दिल्ली को किसी की नजर लग गई। 15 साल दिल्ली ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया, मेट्रो आई, इतने फ्लाईओवर्स आए, प्रदूषण रहित सार्वजनिक यातायात पूरा शुरू हुआ। पूरे विश्व ने अचंभे से देखा कि ये दिल्ली कैसे कायाकल्प हो गया दिल्ली का। शायद इसी वजह से दिल्ली को नजर लगी, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 1998 से लेकर आज तक दिल्ली ने भाजपा को फिर मौका नहीं दिया। 93 में एक ही बार मौका दिया था, उसके बाद 98, 2003, 2008, 2013, 2015, 2020 इतने चुनाव हो गए और भाजपा को दिल्ली ने मौका नहीं दिया। ये दर्शाता है कि भाजपा की पोल दिल्ली वाले की आंखों में, उनकी आंखों में खुल गई और दिल्ली भाजपा की रग रग से वाकिफ है। दिल्ली को भाजपा मूर्ख नहीं बना सकती। मैं बार बार ये सोचता हूं कि दिल्ली को नजर लगी, अब समझ में आता है कि ना केवल नजर लगी है, एक बदले की भावना से ओतप्रोत केंद्र सरकार, जो बना बनाया ढांचागत जो हमने यहां व्यवस्था बनाई थी उसको छिन्न भिन्न करने पर आमादा है। जो योजनाएं हम लाए थे अनधिकृत कॉलोनियों पर, विशेष तौर पे मुझे याद है स्वर्गीय शीला जी चिंतित रहती थी कि इनको कैसे हम नियमितीकरण करें इनका, और भागा दौड़ी करके केंद्र सरकार से भी जद्दोजहद करके, अफसरशाही से जद्दोजहद करके, विशेषज्ञों से राय मशविरा करके, फिर हमने उनका नियमीकरण किया, सर्टिफिकेट्स बांटे, मूलभूत सुविधाओं की तरफ वो प्रक्रिया शुरू की। लेकिन उन सब पे पहले अर्धविराम लगा और अब पूर्ण विराम लग गया। बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े नाम योजनाओं के देने में हमारे प्रधानमंत्री बड़े पारंगत। प्रधानमंत्री उदय योजना सुना होगा आपने, यहां का जीवन
झुग्गी झोंपड़ियों में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 70% लोगों का जीवन, उदय शब्द उनका इस्तेमाल उनके लिए करना भी उनका अपमान है, क्योंकि उनके जीवन में सूर्योदय होते हुए उन्होंने नहीं देखा, अंधेरेमयी जिंदगी वो जी रहे हैं। जो धांधली उदय योजना में हो रही है रजिस्ट्री के नाम पर, आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप में से कई लोग, जब मैं दिल्ली सरकार में था तो कुछ बच्चे थे, कुछ नौजवान थे, कुछ मेरी उम्र के थे, अब मैं पता नहीं किस उम्र का हूं, नौजवान में तो नहीं मानूंगा अपने आप को, लेकिन मेरे साथ आप में से कई लोग बड़े हुए, अपने अपने प्रोफेशन में भी बड़े हुए, आपने देखा दिल्ली की यात्रा। अब जब हम निकलते हैं दिल्ली, आरोप प्रत्यारोप मोदी सरकार जो कर रही है, जिस तरह से न केवल एक चुनी हुई सरकार को संघर्ष करना पड़ता है, बल्कि वोटर को आप उसकी जिंदगी के विषय में सोचे बगैर सिर्फ छोटी राजनीति, हल्की राजनीति से ही आप प्रेरित हो, यह हमारा नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप है, उनकी पार्टी पर आरोप है। बहुत छोटी राजनीति इस शहर में होने लगी, पहले ऐसा नहीं होता था। हमने अटल जी का भी दौर देखा, हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार तो खैर स्वर्णिम युग था ही दिल्ली के लिए, लेकिन अटल जी की सरकार में हाँ संघर्ष करना पड़ता था, ऐसा नहीं कि संघर्ष नहीं करना पड़ता था शीला दीक्षित जी की सरकार को, लेकिन फिर भी राजनीति का एक स्तर होता था, दिल्ली की चिंता सबको होती थी, और नहीं होती थी तो शीला जी, मुझे अच्छी तरह याद है एक दिन अटल जी के यहाँ बैठक हुई, मेट्रो के संबंधित कुछ अप्रूवल्स लेने थे, हारून यूसुफ जी भी हमारे साथ थे, हमारे अनिल भारद्वाज जी भी थे उस बैठक में। अटल जी ने साफ इनकार कर दिया था, कभी हारून जी से आप ये किस्सा जरूर सुनिएगा, बड़ा रोचक किस्सा है। चाय भी पिलाई अटल जी ने, बड़े प्रेम से बात की, आदर से बात की, लेकिन फाइल अप्रूव नहीं की। उनके अफसरों ने वहीं कमरे में आकर कहा कि नहीं साहब, ये अप्रूव नहीं हो सकता। शीला जी ने कहा एक चाय और पिलाई। मैं बड़ा हैरान कि शीला जी दिन के वक्त दो बार चाय पी रही हैं, समझ में आया नहीं, चाय और आई। फिर शीला जी ने एक बहुत ही सुलझे हुए, सधे हुए शब्दों में अटल जी को कहा, अटल जी मैं बड़ी मायूस होकर जा रही हूं बाहर, जब मीडिया वाले मेरे साथी खड़े हैं तो मैं उनको कहूंगी अटल जी को दिल्ली वालों की चिंता नहीं है। अटल जी ने शीला जी का हाथ पकड़ा और बोला बैठो। वो समझ गए कि शीला जी बहुत ही सलीके से एक धमकी दे रही हैं, और फिर अफसरों को बुलाया अटल जी ने, सारी फाइलें वापस टेबल पे खुली, 6 फाइलें ले गई थी, 6 की 6 अप्रूव करके 2 घंटे बाद हम बाहर आए, और मीडिया वालों को शीला जी ने, उनकी आपको स्माइल याद होगी, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने वो मुस्कान दी और बोला चलो सचिवालय वहां बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों को शायद ये किस्सा याद होगा, तो विधानसभा की बात है, हमारा पुराना सचिवालय जहां चलता था, फिर आप लोग वहां आए। तो बड़े रोचक किस्से उस वक्त के मुझे याद आते हैं, जब आज की केंद्र सरकार को मैं देखता हूं, अटल जी उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को राजधर्म याद दिलाते दिलाते खत्म हो गए, आज फिर मुझे लगता है कि 10 साल से इस व्यक्ति को राजधर्म नहीं समझ गया है, नहीं तो दिल्ली की यह हालत नहीं है। आजकल प्रधानमंत्री आपके चैनल्स में से भी कईयों को इंटरव्यू दिए हैं, मैं देख रहा हूं एक एक चैनल को 4-4 इंटरव्यू दे रहे हैं, और जब से प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू देने शुरू किए हैं, कपिल शर्मा डिप्रेशन में चला गया, उसकी टीआरपी खत्म हो गई। अब कितना मनोरंजन लेगा आदमी एक दिन में, हंस हंस के लोग लोटपोट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते जाते जो आपका और मेरा मनोरंजन कर रहे हैं उसमें तो उनको आपको साधुवाद देना ही चाहिए, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं। कभी इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो। बोलते हुए मुझे शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, ये तो सच है। मैं सच भी नहीं बोलूं प्रधानमंत्री के विषय में तो कैसे काम चलेगा, हो सकता है हवाई जहाज से फिर पुलिस वाले उतार के ले जाएं, वो कोई बात, लेकिन झूठ बोलते हैं। झूठ पति पत्नी आपस में बोले तो भी रिश्ते में गांठ आ जाती है। हम अपने माता पिता से झूठ बोलते थे तो रात को हमें भी ग्लानी होती थी, नींद नहीं आती थी, यार झूठ बोला आज माता पिता से। समाज में हम एक दूसरे से रिश्ते जब रखते हैं
मित्रता के रिश्ते होते हैं, मैत्री के रिश्ते होते हैं, उसमें भी हम सत्य बोलने की कोशिश करते हैं। हमारे हर धर्म में, हर मजहब में सत्य बोलने पर एक बड़ा उसको महत्व दिया गया। देश का राजा अगर झूठ बोलता है तो मेरा आपका तो नुकसान जो हो रहा है वो हो ही गया 10 साल, आने वाली पीढ़ियों का वो नुकसान करता है। वो इस देश के राजा ने किया है पिछले 10 साल। एंटायर पॉलिटिकल साइंस दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मेरे को नहीं लगता है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में ये डिग्री है जो प्रधानमंत्री को मिली है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये ऐसी डिग्री है साहब कि आपको विरोधी दल का मैनिफेस्टो बिना पढ़े आप उसके बारे में अनर्गल बोलना शुरू कर दें, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया हमारे मैनिफेस्टो के बारे में।